अभी समझाती हूँ, लेकिन सब लोग सर्कल बनाओ और एक दूसरे के हाथ पकड़ो, गोल बनाओ। रिंगा रिंगा रोजेस कैसे करते हैं? ऐसे। विधि तुम बीच में आओ। चलो सर्कल। तो आज विधि है हमारी सेंटर ऑफ ट्रस्ट, ओके? आज हम सब विधि से वो बातें करेंगे जो आज तक उससे कभी नहीं की। मतलब जो भी तुम लोग के मन में है विधि के लिए, वो आज हम साफ साफ कह देंगे। मैं शुरू करती हूँ। विधि, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, तुमने अपने बच्चे को खोया है, क्या इस बात से तुम अंदर ही अंदर पिस रही हो? ये अब ये सब बेटा, ये जो भी दर्द तुम्हारे दिल और दिमाग में है, मैं चाहती हूँ तुम आज निकाल कर फेंक दो। बीमारी की दवाई कितनी भी कड़वी हो, लेकिन उसे लेना जरूरी है ना। तुम सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसा क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, जब प्रिया परेशान थी। अगर उस वक्त मैंने ये किया होता ना, तो प्रिया अकेली अकेली दर्द में नहीं मरती, अपने आप को हम सबसे अलग नहीं करती। मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में विधि के आने से पहले मैं थोड़ा खड़ूस था, विधि के आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। मैं पहले सिर्फ दूसरों के लिए जीता था, लेकिन विधि ने मुझे सिखाया कि दूसरों के लिए भी जीने के लिए अपनी खुद की अहमियत जानना बहुत जरूरी है, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। आज इसीलिए ये मिसकैरेज वाली बात जो है, ये मैं इसीलिए हैंडल कर पाया हूँ क्योंकि तुम विधि मेरे साथ हो, वरना नहीं कर पाता। विधि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जितना दुख तुझे हुआ इस बच्चे को खोने से, उतना ही हम सबको हुआ है, और हम सब तेरे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। पता है, मुझे आज तक लगता था कि भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसकी मां बनने के लायक ही नहीं हूं, और शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप सबकी बातें सुनकर, आप सबके सपोर्ट से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसे अपने परिवार के साथ बैठकर शेयर करें ना, तो उसका सलूशन निकल ही आता है। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत पर।